तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का सवाल है कि हम NTPC का शेयर बाई करना चाहते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई के लिए। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO आने वाला है। उससे पहले अगर आपके पास पैरेंट कंपनी जो है NTPC का शेयर आपके पास रहता है, तो आप रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं और आपका अलॉटमेंट का चांस भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए काफ़ी लोग का सवाल है कि हमारे पास लास्ट डेट कब है, NTPC में कब तक बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि RHP फाइल से एक दिन पहले आपको अप्लाई करना है, NTPC में बाई करना है ना। अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, तो अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो RHP फाइल नहीं हुआ है। आपको दिख सकता है डेट, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। RHP फाइल होने से एक दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो खबर हो गई कि हम कब तक हमारे पास टाइम है NTPC का शेयर बाई करने का। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी लोग का है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर और रिटेल कैटेगरी दोनों में सेम डीमेट अकाउंट से। तो बिल्कुल, देखिए ये चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट, इसमें से एक्सप्लेन किया गया है, यस आप यू कैन अप्लाई इन बोथ रिटेल एंड शेयर होल्डर कैटेगरी, है ना। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा में क्या होता है कि अगर आपने 10 लॉट अप्लाई किया है, तो आपका अगर 10 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, फिर भी आपको एक लॉट मिलने का चांस बढ़ जाता है। और आप रिटेल कैटेगरी में तो आप अप्लाई करेंगे ही, तो वहाँ का और यहाँ का मिलाने से आपको क्या होगा, चांस बढ़ जाएगा आपको अलॉटमेंट मिलने का। तो ये फ़ायदा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको NTPC ग्रीन एनर्जी का अलॉटमेंट मिले, IPO मिले, तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके दो मौका मिलेगा, और दोनों मौका कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।